कैसे बनाते हैं और अंदर से देखने में कैसे होते हैं। तो मैं जिस होटल में रह रहा हूँ, इस होटल का नाम है होटल सन माउंट। यहीं के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। खुद ही सारा होटल जो है उसका काम ये खुद संभालते हैं और बड़े प्यार से आपको रखते हैं। आप चाहे एक दिन रुके, चाहे पूरा हफ्ता रुके। तो अब आगे पढ़ते हैं। ये हैं अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार अनिल बेटा। जी सर। तो अनिल जो है यहाँ के ओनर भी हैं और यहाँ के मैनेजर भी हैं। सारा काम जितना भी इस होटल का यही देखते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। तो इनके कमरों के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर के व्यूज़ और अंदर का इंटीरियर कैसा होता है और उसको ये कैसे तैयार करते हैं, ये इनसे जानते हैं। चले आगे आगे चलो। है ना ब्यूटीफुल व्यू, ड्रीम हाउस लगता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि दूसरी दुनिया में आ गए। और इनका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो कंसेप्ट है मेकिंग का, बहुत ही यूनिक है, आउटस्टैंडिंग। ये बेड लगे हुए हैं, इधर स्टोरेज का सामान आप स्टोर कर सकते हैं, नाइट लैंप्स, ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट ऑफ देवदार वुड। ये देवदार की लकड़ है ना सारी? देवदार की। हाँ जी। कर्टन हटाना। वुड क्राफ्टिंग तो सुपीरियर लेवल की है, बहुत शानदार। इन्होंने ऐसे ही रॉ रखा हुआ है, अभी फ्रेशली बने हैं ये रूम्स, एक दो महीना पहले ही। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने खुद ही सारा कुछ तैयार किया। अब आप बताएं कमरों के बारे में। ये देवदार का लकड़ी का बना हुआ है प्रॉपर। अच्छा। और इसमें जो ये क्या बोलते हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं लोकल, जो छत के ऊपर रहते हैं गांव के हमारे। अच्छा, ये वाले जो ये पत्थर। वाले जो पत्थर है सर। अच्छा, ये गांव के ऊपर छत के ऊपर रहते हैं जो। ठीक है, जो स्लैब्स लगा रखे। जी जी, वही तोड़ कर हथौड़ी से बनाया है इसको। अच्छा जी। तो ये स्टेयर्स बना रखी है इन्होंने, ये भी फुली वुडन है। और कॉन्सेप्ट देखिए क्या शानदार है। एक फैमिली के लिए इतना सा रैन बसेरा बहुत होता है। हम लोग नीचे प्लेन्स में लाखों करोड़ों लगा देते हैं, वहाँ से एंट्रेंस से जब आते हैं तो व्यू इतना इम्प्रेसिव है। स्टेयर्स आती हैं, आप ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे, इधर नीचे फ्लोर के ऊपर ही ये वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं और वहीं मैट्रेसेस बिछा रखी हैं। और तीन जो लोग हैं वो मज़े से इस बेड पर सो सकते हैं। और यहाँ से व्यू कितना शानदार है। विंडोज़ लगा रखी हैं इन्होंने और नीचे आप यहाँ से बैठकर खड़े होकर पहाड़ देख सकते हैं। कैनपी स्टाइल इनके रूफ्स हैं और नीचे से सीलिंग जो है वो भी वुडन है। फिर फ्यू स्टेप्स एक और बेडरूम कह सकते हैं आप। यहाँ भी बेड लगा हुआ है, मैट्रेस, और तीन आदमी मज़े से सो सकते हैं। एम्पल से स्पेस है अराउंड, बस इसकी थोड़ी हाइट जो है वो लो होती है क्योंकि ऐसे ही बनते हैं पहाड़ों में घर और प्रीमियम होटल्स। ये देखें, छोटा सा हट टाइप। यहाँ पर मैं, अब आई एम 6 फुटर, तो 7 फुट की हाइट है। यहाँ से भी विंडो और यहाँ से आप खड़े होके बाहर पहाड़ों का नज़ारा ले सकते हैं। घंटों बैठ सकते हैं आप यहाँ से, अपनी बाइनोकुलर से बर्ड्स वॉच कर सकते हैं। यू कैन डू वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। ऐसे इनकी ऊपर रूफ्स होती हैं, रूफ्स इन्होंने मेटेलिक शीट की लगा रखी हैं और नीचे उसके देवदार की लकड़ के प्लैंक्स लगे होते हैं टू कीप वार्म इन विंटर्स एंड टू कीप कोल्ड इन कूल इन समर्स।
एक्सीलेंट, वेरी इंप्रेसिव। बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने, बड़ी मेहनत की हुई है और नज़र आ रही है मेहनत। एक्सलेंट यार, इतना खूबसूरत है, जी करता है यहीं से हेलीकॉप्टर से, क्रेन से, हेली क्रेन से उठा कर ना इसको अपने घर ले जाएं नीचे। पर ये चीज़ें यहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो ये आपका प्रीमियम रूम है, फुल फैमिली के लिए है ना। ऐसे बैक में इन्होंने बैल्कनी रखी है, दरवाजा खोले एंड यू आर आउटसाइड। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, टेबल भी है, और यहाँ से आप होल डे यू कैन एंजॉय द सन एंड द हिल्स एंड द विलेज डाउन देयर। वो देखें किसान खेत में काम कर रहे हैं, बिल्कुल नेचर जो है अबंडेंस में मिलेगी आपको यहाँ पर। आप अगर हफ्ता गुजारेंगे ना, आपके एक साल की जितनी भी बीमारियाँ हैं या स्ट्रेसेस जो है ना, नीचे प्लेन्स में रहने से, वर्क प्रेशर या फैमिली प्रेशर, वो सब 1 वीक में आपके बाहर निकल जाएंगे। बड़ा ज़रूरी है हीलिंग पीरियड भी लाइफ में, वंस अ ईयर ही सही, पर आएँ ज़रूर पहाड़ों में। अनिल अब बताएं भी, ये जैसे रूम्स है जी, तो ये आप पूरी फैमिली को देते हैं? हाँ, फैमिली को ही देते हैं। हाँ, क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता होगा, अकेला आदमी तो रहेगा नहीं, है ना। जी जी जी, तो पूरा फैमिली के ही ले देते हैं। तो बहुत अच्छा है, जैसे अगर छः सात लोग आराम से रुक सकते, छः सात फैमिली मेम्बर हो जी जी जी, तो मज़े से यहाँ स्टे कर सकते हैं एक ही जगह, और दे कैन हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आएगा। सारे गेस्ट आते हैं सर, ऐसे बोलते हैं कि हमें एक ही रूम चाहिए, फैमिली फैमिली वाले जो आते हैं कि एक साथ रहना है हमें, तो उस टाइप के लिए ही बनाया सर ये। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, और मेरे को अब एहसास हो रहा है कि आई हैव वेस्टेड सो मच माई हार्ड अर्न मनी, जो नीचे मैंने अपने घर पे खर्चे किए हुए हैं, यूजलेस किए हैं। इतना सा यूनिट बहुत होता है एक फैमिली के लिए। और ये वॉशरूम है, लवली ओपन वॉशरूम है, बहुत बढ़िया। ऊपर सीलिंग देखिए इसका वुडवर्क, ये भी देवदार की लकड़ का है। शावर लगा रखा है इन्होंने, किसी को नहाना है शावर से तो वो भी ऑप्शन है, बाल्टी से नहाना बाल्टी से ऑप्शन है, बहुत अच्छी। दीज आर द टॉयलेट्स, वॉश बेसिंस, डस्टबिन पीपिंग इन द मिरर। और यहाँ से भी व्यू पहाड़ों का है, ब्रश करते हुए भी आप बाहर पहाड़ देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। गुड लक अनिल बेटा, बहुत अच्छा। अब बाहर निकलते हैं, ये तो हो गया फैमिली रूम। अब इंडिविजुअल रूम या दो या तीन मेंबर्स हों फैमिली के, तो उनके लिए अलग से रूम बनाए गए हैं। मैं लिंक में इनका, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक छोड़ दूंगा, और इनका नंबर भी, तो जिन्होंने भी होटल बुकिंग करनी है वो फ़ोन नंबर लेकर इनसे सीधी बात कर सकते हैं, और आप यहाँ पर अपना टाइम बहुत बढ़िया बिता सकते हैं। ये है अब दो या तीन मेंबर्स के लिए, एक्स्ट्रा बेड भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है भी, बस वो थोड़ा आपको किराया ज़्यादा देना पड़ेगा जितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि रूम टैरिफ जो फिक्स होता है वो दो बंदों के लिए होता है या बच्चा साथ में हो। तो ये बहुत बढ़िया रूम लग रहा है, ये एक्चुअल में मेरा ही है, यहाँ पर मैंने डेरा डाला हुआ है एक हफ्ते से। और किसका मन करेगा ऐसी जो अकोमोडेशन जब मिले आपको छोड़ने का, तो हफ्ते से ऊपर होने वाला अब मेरा यहाँ रहना, और अभी भी दिल कर रहा भी टिका रहूँ यहीं। वो दरवाज़ा खोलना, सेम इंटीरियर है, सेम वुड सीलिंग देखें, क्लास। और ये जो दो येलो लाइट्स लगा रखी है ना, मैंने ब्लू लाइट तो इन्होंने अब ऑन की है ना, अदरवाइज मैंने 7 दिन में ये ब्लू लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं की।
क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं ये येलो लाइट्स, सो ग्रेसफुल। और नेचुरल लकड़ है तो नेचुरल असेंस फ्रेग्रेंस वो सब मिलता है। जैसे आप रूम में एंटर करें तो देवदार की जो लकड़ की फ्रेग्रेंस निकलती है वो आपकी नॉस्ट्रल्स में जाएगी और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और हेल्दी तो है ही है, मदर नेचर्स वुड है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। यहाँ से फिर पीछे बैल्कनी है, इन्होंने इंडिविजुअल बैल्कनीज दे रखी हैं पीछे, और यहाँ अभी पार्टीशन कर रहे हैं ताकि आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सके, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर पीपल। यहाँ से भी देखें पहाड़ के व्यू, एक्सीलेंट, गॉर्जस, बहुत बढ़िया रूम्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका फ़ोन नंबर और लोकेशन, होटल का नाम, होटल है सन माउंट चक्राता, चक्राता टाउन से ये 12 किलोमीटर दूर है, बहुत बढ़िया है। ऑन द वे टू टाइगर फॉल है, और थोड़ी डाइवर्जन है वहाँ से ग्वासा पुल से आगे आते हुए। चलो जी, एक्सीलेंट। होटल सन माउंट की एंट्रेंस है, कॉर्नर में इन्होंने रिसेप्शन बना रखा है, सारा वुडन में ही है, देवदार के जो वुड यूज़ किए इन्होंने अपने। और ये सामने जो है ये काफ़ी अच्छा स्पेशियस इन्होंने डाइनिंग हॉल बना रखा है, और इनकी लाइट्स की जो इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है ना, और ख़ुद की है इस लड़के ने, अनिल ने, सारे काम कर लेता है, इसके पापा भी और ये भी, पूरी फैमिली। तो वेरी हार्ड वर्किंग किसान फैमिली है, खेतों में भी काम करते हैं और अपना होटल भी चलाते हैं। ये देखें सीलिंग डिज़ाइनिंग, सब कुछ टॉप नॉच है। walls and ceilings, how impressively they are made, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की हुई है इन्होंने, नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, throwing back reflection of the lights, कैसे चमक रहा है लाइट की वजह से फर्श, बहुत बढ़िया। और ये इनकी किचन एरिया, नीट एंड क्लीन, स्पेशियस, एयरी एंड फुल ऑफ लाइट, और व्यू देखें किचन से, तो कुक खाना अच्छा क्यों नहीं बनाएगा, बहुत बढ़िया कुक है इनका, अनूप नाम है लड़के का, बहुत बढ़िया खाना बनाता है, वेरी टेस्टी, जैसा मांगेंगे वैसा मिलेगा। इधर से भी व्यू देखें, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बेस्ट लोकेशन है इनके होटल की पूरे चक्राता में, और पीसफुल है क्योंकि ये लाखामंडल रोड से कटता है 10 किलोमीटर के पास, जब आप वहाँ से चक्राता से आए तो ये लाखामंडल रोड से कट ऑफ होता है, ऊपर को आता है इंद्रौली फॉल साइड। एक्सीलेंट।